देखिए रेशियो का चेंज हो रहा है रेशियो अगर क्या हो रहा है बताइए आपका चेंज हो रहा है तो कैसे करेंगे हम लोग देखिए जब भी, भी देखिए जब भी रेशियो चेंज होगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या देखो एक सकेंड देखो यहाँ पे चेंज इन पीएसआर के बारे में रेशियो चेंज हो रहा है रेशियो के हो रहा बताइए आपका चेंज होगा तो कैसे जैसे मान लीजिए ए टू बी टू सी था पहले थ्री टू 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 वन अब मान लीजिए नया रेश्यू आ गया ए टू बी टू सी तो क्या हो जाएगा बताओ जैसे दिया आपको फाइव ट तो रेशियो चेंज पार्टनर वही है कोई एडमिशन नहीं हो रहा है कोई डेथ नहीं हो रहा है समझ गए बोलो तो पहले हम लोग क्या पहले हम लोग किसमें डिस्प्यूट कर रहे थे ओल्ड रेशियो में कर रहे थे पहले अभी किसमें करना है आपको न्यू रेशियो में समझे बात को बोलो साइड से समझे आता बोलो पहले की रेशियो क्या था बताओ तो मतलब पार्टनर का एडमिशन नहीं हो रहा यहां का एडमिशन नहीं हो रहा है, है। चल स्टार्ट करो हेलो ध्यान दो जब कोई यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए कोई पार्टनर का स्टार्ट करो जो स्टूडेंट अभी आए तुरंत स्टार्ट करो यहाँ पे कोई पार्टनर का एडमिशन नहीं हो रहा है समझ गए ना रिटायरमेंट हो रहा है ना डेथ हो रहा है खाली रेशियो चेंज हो रहा है खाली क्या बताइए आपका रेशियो चेंज हो रहा है समझ गए होगा ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर देखो यहाँ पे चेंज इन पी चेंज इन ठीक है जब रेशियो चेंज होगा तो आपको एडजस्टमेंट क्या क्या करना पड़ेगा बताइए एक होगा गुडविल का गुडविल का वापस रेशियो चेंज करने के पहले आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ेगा बताइए गुडविल का वैल्यूएशन ट्रीटमेंट जब भी एक गुडविल ट्रीटमेंट एक चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग अलग से यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग आज क्या बहुत सारे स्टूडेंट लोग एब्सेंट है तो गुडविल ट्रीटमेंट आज हम नहीं करेंगे समझ गए आज खाली हम लोग एक छोटा सा चैप्टर है चेंज इन पीएसआर वही करेंगे उसी में आपका टाइम लग जाएगा पूरा तीन क्वेश्चन उसमें दो आपका यहाँ पे है ट्वेंटी एटीन नाइनटीन और एक आपका लास्ट ईयर आया था ट्वेंटी टू में आया था एक इसमें आया था आपका लास्ट ईयर दो हजार बाईस में आया था समझ गए तीन क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज हम लोग तो जब भी भी एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो चाहे चेंज इन पीएसआर हो अगर रेशियो चेंज होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा गुडविल का क्या करना पड़ेगा आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा गुडविल को समझ गए और गुडविल को हम लोग ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे हम लोग फिर इसका वैल्यू कैसे करेंगे बताओ ये आपको कैसे करना बताएंगे आपको आगे हम पहले लिख लीजिए आप लोग ओल्ड और न्यू में रिश्वत करना पड़ेगा आपको ठीक है गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे दूसरा क्या होगा बताइए रिवेलुएशन क्या होगा बताओ रिवेल एसेट्स एंड लाइबिटीज इसको रिवेल्यू करना पड़ेगा आपको समझिए थर्ड क्या करना पड़ेगा बताओ जो भी रिजर्व है ना रिजर्व सबको क्या करना पड़ेगा आपको क्लोज करना पड़ेगा ठीक है और उसके बाद कैपिटल में एजस्मेंट करना पड़ेगा कैपिटल में जो एसमेंट करने बोलेगा वो अपने मन से नहीं करना पड़ेगा वो बोलेगा क्वेश्चन में जैसे बोलेगा वैसे करना पड़ेगा बस पीएसआर आपको दिया रहेगा पीएसआर आपको यहाँ पे निकालना नहीं पड़ेगा आपको करेंगे अभी अभी कंसेप्ट बता रहे कंसेप्ट बता रहे अभी आपको समझ गए चेंज इन पीएसआर चैप्टर का नाम क्या है चेंज इन पी एस आर छोटा सा चैप्टर है ये और कल से स्टार्ट होगा फिर आपका नया चैप्टर गुडविल ट्रीटमेंट गुडविल ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो क्या ना एडमिशन में भी काम आएगा रिटायरमेंट में काम आएगा डेथ में काम आएगा एडमिशन का रिटायरमेंट में आएगा अलग अलग से भी आता है सिक्स मार्क्स का ठीक है अलग से भी आता है वो

ओके बताओ हेलो ओके okay, बोलो हेलो हालो तो लिखिए पहला ट्रीटमेंट गुडविल वैल्यूएशन वैल्यूएशन कैसे होगा देखो गुडविल एंड ट्रीटमेंट तो देखो गुडविल का वैल्यूएशन करने जैसे बोलेगा आपको तो गुडविल वैल्यूएशन ऐसे तो बहुत सारा मेथड है लेकिन आप लोग खा में खाली क्या थर्ड सेमेस्टर में ऐसे आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे अलग से पूरा चैप्टर है ये फिफ्थ सेमेस्टर में अकाउंट्स में चैप्टर है वैल्यूएशन समझ गए अभी आपको खाली क्या करने बोलेगा क्वेश्चन में पहले क्या निकालिएगा एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या करिएगा नंबर ऑफ इयर्स और उसके बाद गुडविल कैसा है का पता फिर एवरेज प्रॉफिट इंटूर ऑफ परचेज कितना साल के लिए गुडविल परचेज कर रहे हैं आप कितने ईयर के लिए गुडविल परचेज कर रहे हैं ठीक है उसको बोलते ईयर ऑफ परचेज जिसका बिजनेस आप परचेज कर रहे हो ना वो अगर आप मान ली कोई कंपनी का गुडविल परचेज कर रहे हैं तो वो कंपनी अपना नाम यूज नहीं कर सकता फिर इतने साल तक उसको बोलते ईयर ऑफ परचेज ठीक है तो आ गुडविल का वैल्यू अब इसको क्या करिएगा फिर ओल्ड रेशियो में क्या करिएगा इसको जैसे ए बी सी है तो गुडविल पहले रेस करिएगा पहले गुडविल क्या करिएगा पहले गुडविल क्या करिएगा रेस करिएगा किस रेशियो में बताइए ओल्ड रेशियो में तीनों को पहले रिश करेंगे किस रेशियो में बताओ ओल्ड रेशियो में रेस करेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे फिर राइट ऑफ करेंगे उसके बाद क्या करेंगे हम लोग फिर राइट ऑफ करेंगे किसमें बताइए ये किसमें करेंगे राइट ऑफ न्यू रेशियो में अब डिफरेंस निकाल लीजिएगा अब जिसमें प्लस आएगा किसी में क्या आएगा बताइए आपका प्लस आएगा और किसी में माइनस भी आ सकता है लेकिन अमाउंट इक्वल आएगा अमाउंट क्या आएगा जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा आपका जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा उतना ही क्या होगा आपका तो निगेटिव को क्या करिएगा डेबिट निगेटिव क्या करिएगा पॉजिटिव को क्या करिएगा क्रेडिट समझ कैसे आएगा ठीक है समझ गए बोलो पॉजिटिव तो प्लस होगा ना और निगेटिव क्या होगा माइनस होगा निगेटिव क्या होगा बताइए डेबिट होगा अब पॉजिटिव क्या होगा प्लस हो जाएगा बस

हो गया बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या बताइए रिवेल्यूशन ऑफ़ एसेट्स रिवेल्यूशन एसेट डायबिटीज को क्या करना पड़ेगा आपको वापस से रिवेल्यू करना पड़ेगा एसेड डायबिटीज को ठीक है हो गए बोलो हो गया था गुडविल ट्रीटमेंट सेकंड क्या देखो रिवेल्युएशन ऑफ ये आप लोग सब में पढ़ेंगे एडमिशन में भी आएगा रिटायरमेंट में भी आएगा डेथ में डिजोल्यूशन डिजोल्यूशन में नहीं है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ एडमिशन का रिटायरमेंट सब में मिलेगा आपको तो एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बताइए ऐसे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बताओ बोलो ऐसे डेबिट हो जाएगा ऐसे क्या हो जाएगा बताइए डेबिट टू क्या हो जाएगा बताओ एसेट बढ़ेगा तो ऐसे क्या होगा डेबिट नहीं होगा एसेट टू रिवेलेशन नेचर क्या डेबिट नेचर होता है ना एसेट नेचर क्या होता है बताओ डेबिट नेचर होता है एसेट टू रिवोल्यूशन हो जाएगा एसेट कम होगा तो क्या हो जाएगा बताओ का तो क्या हो जाएगा बताइए रिवोल्यूशन टू एसेट उल्टा हो जाएगा समझ गया है बोलो लाइब्रेरी बढ़ेगा तो लैब भी पड़ेगा तो क्रेडिट होगा सर और क्या उसके बाद बताओ नेक्स्ट्रेड लाइब्रेरी बढ़ेगा तो रिवन टू लाइब्रेरीज्रेड नेचर क्या होता है लाइब्रेरी एंड प्रोविजन लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरी एंड प्रोविजन अगर बढ़ेगा तो तो उल्टा हो जाएगा और टू क्या आएगा बताइए एंड प्रोविजन समझ गए और घटेगा तो लाइबिलिटीज एंड क्या है जैसे मान लीजिए ठीक है या कोई भी प्रोविजन है तो इसका क्या हो जाएगा बताइए घटेगा तो उल्टा हो जाएगा Okay. और क्या इसका बताओ अट्टू क्या बताइए यहाँ पे बोलो समझ गए बोलो बस गए बोलो हाँ सर बात देखो अब प्रॉफिट आगे तो क्या हो जाएगा बताइए प्रॉफिट आएगा तो बोलो प्रॉफिट आएगा तो ప్రోఫిట్ రివ్యూషన్ ప్రోఫిట్ బాషన్ డెబిట్ టూ पार्टनर्स कैपिटल समझ गए बोलो ठीक है बोलो है? और लॉस का क्या हो जाएगा बताइए उल्टा हो जाएगा इसका और किस रेशो में होगा ये ओल्ड रेशो में किसमें ठीक है न्यू रेशो में नहीं और पार्टर्स में क्या हो जाएगा बताइए टू रिवेल्यूशन लॉस का भी किसमें होगा बताइए ओल्ड रेशो में समझ गए बोलिए ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या बताओ रिजर्व ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्या इसके बाद रिजर्व रिजर्व ट्रीटमेंट क्या जाएगा बताइए रिजर्व ऑन डेबिट रिजर्व क्लोज कर देंगे हम लोग रिजर्व क्या हो जाएगा बताइए Lose. तो रिजिकाउंटेबी टू क्या हो जाएगा बताइए पार्टस कैपिटल और ये भी किसमें को बताइए ओल्ड इशू में समझ गए बोलो और क्या इसके बाद

ठीक है और क्या इसके बाद कैप्लासमेंट जैसे बोलेगा हेलो कैप्ट के लिए कोई एंट्री नहीं करना आपको कैपिटल चेंज करने बोलेगा ना आपको तो एज गिवन इन द क्वेश्चन गिवन इन जैसे बोलेगा वैसे करिएगा इसमें कुछ नया नहीं है समझ गए तो क्वेश्चन आइए आप लोग क्वेश्चन वन सेवेंटी सिक्स यहां तो यहाँ बोलो देखो वन पढ़ो एक्स हो जाएगा रेश पहले पहले कितना रेशू बताओ एक्स टू वाई टू जेड टू टूज टू वन और कैपिटल था वन एट्टी वन ट्वेंटी सिक्सटी और रेशियो चेंज कर रहे कितना रेशो बताइए अब न्यू कितना दिया बताइए ये, old ये आपका ओल्ड इशू है क्या बताइए आपका ओल्ड इशू है समझ गए और न्यू कितना दिया बताइए टू इज टू समझ गया तक बोलो ओके okay, बोलो हेलो गुड इसमें नेक्स्ट आइए पॉइंट नोट टू पार्टिसिपेट गुडविल का वैल्यू करने बोला आपको टू ए परचेज एवरेज प्रॉफिट क्या निकालिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए <laughs> कितना बताओ तो कितना का प्रॉफिट बताओ समेशन कितना दिया प्रॉफिट लास्ट ईयर दिया उसमें तो कितना कितना बताओ वन ट्वेंटी है एक लाख बीस हजार है और कितना बताओ एक लाख है और वन लाख फोर्टी थाउजेंड और डिवाइड बाई कितना कर दो इसको तो कितना आएगा बताओ हाँ एक लाख एवरेज तो जितना ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है एवरेज कितना ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है तो so जितना साल का प्रॉफिट आपके पास है कितना साल प्रॉफिट आपके पास है तीन साल का तो डिवाइड थ्री हो जाएगा क्योंकि एवरेज प्रॉफिट समझ गए और गुडविल कैसा आएगा बताइए टू ईयर परचेज बोला है टू ईयर क्या बोला है कितना ईयर का परचेज कर रहे हैं ये ईयर अलग है ईयर परचेज ईयर ऑफ आप कितना साल के लिए परचेज कर रहे हैं गुडविल बोलो गुडविल भी भी टू ईयर परचेज मतलब दो साल के लिए परचेज कर रहे हैं गुडविल तो दो लाख चालीस हजार समझ गए कैसे प्रॉफिट बोलो ठीक है यहां हाँ सर ठीक है आगे गुडविल हेलो समझ गया तक बोलो गुडगुला गया और क्या आगे बोलो नेक्स्ट क्या है इस क्वेश्चन में है, है? रिवोल्यूशन तो ओल्ड में क्या करो उसको हुँ? कैपिटल को क्या करना है आपको प्रोपोर्शन करना है कैपिटल को क्या करना, करना है आपको न्यू रेशियो में क्या आना है कैपिटल किसमें लेके आना है बताओ हेलो कैपिटल किसमें लेके आना है आपको न्यू रेशियो में लाना है समझ गए hmm. तो टोल करना है कैपिटल और गुडविल को क्या करिए ए बी पार्टनर नाम क्या था बताओ एक्स वाई जेड था ना एक्स वाई जेड ठीक है तो पहले गुडविल को क्या करिए पहले रेस करिए कितना रेस टू लैक और ओल्ड रिश्वत कितना बताइए ओल्ड रिश्व में रेस करो ओल्ड थ्री टू 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 वन थ्री टू 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 कितना कितना है बताओ सिक्स से डिवाइड करो

और ओल्ड रेस में क्या करें इसको फिर इधर डिवाइड कर टोटल टू फोर्टी और न्यू रिपे डिवाइड करो इसको टू फोर्टी बाय फाइव कितना है बताओ फोर्टी तो कितना हो गया 48. तो ए में क्या रहा? आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है एक्स में पॉजिटिव आ रहा है और वाई में क्या आ रहा है बताओ निगेटिव और इसमें भी क्या होती रह है जो निगेटिव को डेबिट करेंगे निगेटिव को क्या करेंगे डेबिट अब पॉजिटिव को क्या करेंगे क्रेडिट हो गया तक बोलो हाँ सर इतना हो गया क्या ना बताओ इसे तो वर्किंग मोड है इसे क्या बताइए आपका जैसे करना करो समझ गए और क्या इसके बाद आप हेलो एक्स वाई जेड करेगो देखो अभी कितने कैपेट बताइए कैपिटल आपको दिया था क्वेश्चन में कितना कैपिटल है बताइए कैपिटल कितना कितना एक्स में कितना कैपिटल है वन एट्टी वन ट्वेंटी और रिवाइज कैपिटल कितना बताओ थीक्या? तीनों मिला के बताओ टोटल कैपिटल इंटू क्या करिएगा पी एस आर ओल्ड पी एस आर न्यू पी एस आर उसको न्यू इशो में क्या करना है आपको बता रहे हैं पहले टोटल तीनों एड करो वन एट्टी 360 सिक्सटी में टोटल कितना कैपिटल है और इंटू कितना 22 टू इज टू तो फाइव से डिवाइड करो पहले थ्री सिक्सटी डिवाइड फाइव सेवन टू इंट टू यहाँ कितना है वन फोर्टी फोर और यहाँ भी कितना है वन फोर्टी फोर और यहाँ कितना है बताओ थर्टी सिक्स अब एक्स कैपिटल क्या, एक क्या, क्या हो रहा है बताइए एक्स में पहले कैपिटल ज़्यादा था अभी क्या हो गया एक्स में तो एक्स में क्या हो रहा है बताओ डिग्री थर्टी सिक्स है सर हाँ थर्टी सिक्स आएगा डिफरेंस निकालो हाँ थर्टी सिक्स ठीक है ठीक है ठीक है एक्स में है एक्स में क्या हो रहा है बताओ और इसमें क्या हो रहा है बताओ वाई में क्या हो रहा है वाई में इंक्रीज और जेड में भी क्या हो रहा है बताओ सर जेड में सेवेंटी टू थाउजेंड होगा ना वहाँ पे थर्टी सिक्स जगह पे और जेड में क्या हो रहा है बताओ इंक्रीज हो रहा है समझ गए एक्स में कैपिटल क्या हो रहा? रहा है डिक्रीज हो रहा है एक्स में कैपिटल क्या हो रहा है बताओ डिक्रीज और वाई में क्या हो रहा है बताओ पहले कम था अभी बढ़ गया पहले कम था अभी क्या हो गया आपका बढ़ गया समझ गए ना तो वर्किंग कंप्लीट अब आंसर में ये हो गया था बोलो हो गया था? अब एंट्री पास करिए जर्नी पास करो तो एक तो गुडविल वाला हो जाएगा गुडविल में क्या बताओ एक्स क्या होता वा है वाई और जेड क्या होता है डेबिट होगा है वाई और जेड क्या होता है नेगेटिव है ना वाई डेबिट हो जाएगा वाई अकाउंट क्या होगा बताइए और जेड भी क्या होता है क्या हो जाएगा एक्स तो वाई कितना सिक्सटीन था और यहाँ क्या था बताओ एट और इसमें कितना था बताइए 24 समझ गए बिंग गुडविल अकाउंट एडजस्टेड विदाउटिंग गुडविल अकाउंट गुडविल अकाउंटेजी नहीं हैं हम लोग ठीक है मतलब जो एडजस्टमेंट हो रहा है ना मेड कैपिटल समझ गए पहला एंट्री विदाउट गुडविल रेस अकाउंट डेबिट ही कर रहे हैं हम लोग अकाउंट डेबिट क्रेडिट खाली कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं बस ठीक है मेन एडजस्टेड विदाउट कुर्न एडजस्टमेंट थ्रू कैपिल ओके okay. ओके okay, बोलो और क्या इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड एंड डिग्रिया था बताओ एक्स कैश लेके आ रहा है एक्स क्या कर रहा है कैश एक्स विद्रॉ कर रहा है एक्स का क्या कम हो रहा है कितना डिग्री बताइए एक्स का केवल माइनस हो रहा है Withdrawal है ना एक्स डेबिट हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे डेबिट बैंक और वाई और जेड क्या कर रहा है कैश लेके आ रहा है वाई जेड कैश क्या कर रहा है बताइए तो बैंक डेबिट, रहा है बताओ वाई बढ़ रहा है कैपिटल भाई कितना बढ़ रहा है कैपिटल बताओ ट्वेंटी फोर बढ़ रहा है और जेड कितना बढ़ रहा है ट्वेल्व तो बिंग क्या हो जाएगा बताइए समझ से करना है बोलो ठीक है Okey, okay, bolo. ओके okay. और आगे जाओ क्वेश्चन टू पढ़ो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गए बताइए कोई डाउट है को वन नंबर में चले आगे टू पढ़ो पेज सेवेंटी सिक्स विड्रॉ करने बोला नहीं है क्वेश्चन में लेकिन कैप्टन को बोला न्यूट्रेशन आने के लिए कैप्टन को किसने बोला आपको तो पहले कितना था 180 अभी 144 तो एक का कम और, और रहा है एक से और है बताइए तो एक से विड्रॉ करेगा और वाई पहले 120 144 हो गया वाई बढ़ रहा है वाई लेके आएगा और जेट भी क्या रहा है बढ़ रहा है तो जेट भी क्या करेगा क्या दिक्कत है इसमें बोलो समझ गए ना ओके okay. समझ गए ना कैसे करना है चलो क्वेश्चन नंबर करो टू नंबर पढ़ो ए और बी देश टू टू भी तो रिजर्व को ओल्ड में क्लोज करो रिजर्व किसमें क्लोज करोगे कि बताइए ओल्ड इशो में और गुडविल को करना है उसके बाद और एसेट को रिवैल्यू करना है और लिखा है कि जो एडजस्टमेंट करना है ना वो थ्रू कैपिटल अकाउंट करना है विदाउट एफेक्टिंग द बैलेंस में अफेक्ट नहीं करना है बैलेंस मेंफेक्ट कोई भी अकाउंट को मतलब जो भी चेंज करना है गुडविल एसेट का वैल्यू चेंज नहीं करना है आपको लाइब्रेज का वैल्यू चेंज जो जैसे था वैसा रहेगा तो ओल्ड में रेस कर दीजिए न्यू में क्या कर दीजिए राइट ऑफ ओल्ड में क्या कर दीजिए रेस और न्यू में क्या कर दीजिए राइट ऑफ समझ गए तीनों अकाउंट को मिला के तीनों अकाउंट को तो रिजर्व गुडविल और प्रॉफिट कितना टोटल बताइए रिजर्व कितना बताइए सिक्सटी है।, है एक साथ करना एक साथ कर लीजिए अलग 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 करेंगे तो तीन इंटी पास करना पड़ेगा और तीनों को एक साथ करेंगे तो एक साथ कर लीजिए और गुडविल कितना बताइए वन फोर्टी ठीक है 140, और प्रॉफिट एसेट बढ़ रहा है एसेट क्या बड़ा बताइए आपका बढ़ रहा है तो प्रॉफिट रेवलेशन कितना बताइए मिला कितना हो बताइए टू ट्वेंटी एक साथ कर लीजिए ठीक है अब पार्टनर नाम क्या बताओ ए और बी ए और बी अब तीनों एक साथ कर लिया रिजर्व रिजर्व प्लस गुडविल प्लस प्रॉफिट ऑन रिवेल रेस कर रहे हैं किसने बताइए? ओल्ड इशू में रेस किसमें कर रहे हैं हम लोग कितना पता टोटल टू ट्वेंटी बताइए करो साथ नहीं एक सब एक सकता अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करेंगे तीन इंटर पास करना पड़ेगा ऐसे आपको एक में हो जाएगा आपको जैसे करना है करो कोई दिक्कत नहीं है उसमें गए थर्टी टू और समझ गए टू ट्वेंटी डिवाइड बाय फाइव इंटू थ्री ठीक है और राइट ऑफिस में करिएफी इतना न्यू निर्देश कितना है इंटू सेवन इशू थ्री टू ट्वेंटी बाय टेन किता बाईस हजार इंटू सेवन या वन फिफ्टी फोर सिक्स इसमें क्या हो रहा है बताओ इसमें प्लस हो रहा है बाईस हजार माइनस हो, तो हो जाएगा समझ गए ना डिफरेंस निकाल लीजिए बस तो एक ही पास हो जाएगा डायरेक्ट तो एक अंड डेबिट हो जाएगा टू बिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व गुडविल चेंज नहीं कर रहे वैल्यू चेंज हम लोग खाली कैपिटल कर रहे हैं समझ गए मतलब गुडविल को भी चेंज नहीं कर रहे हैं रिविजर्व को भी चेंज नहीं कर रहे हैं रिवेलूशन को भी चेंज नहीं कर रहे हैं बैलेंस में इफेक्ट नहीं कर रहे हैं बैलेंस इफेक्ट खाली कैपिटल बैलेंस टोटल सेम रहेगा समझ गए उंट एडजस्टमेंट फॉर रिवेलुएशन रिजर्व गुडविल और क्या हो गया बताइए रिवेल्युएशन मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट फॉर बींग एडजस्टमेंट फॉर ठीक है रिजर्व गुडविल और क्या था रेवेलेशन मेड विदाउट विदाउट थ्रू कैपिटल अकाउंट हो गया ये बोलो कैपिटल असिमेंट कहाँ बोला करने के लिए कैपिटल रजिस्ट्रेशन करने बोला है तो आपको क्या बोल रहे थे तो बोलेगा तब कर कैपिटल असिमेंट बोलेगा तब करेगा अपने, अपने मन से नहीं करेंगे कैपिटल इसमें बोलेगा जैसे लास्ट क्वेश्चन बोला था लास्ट क्वेश्चन में इसमें कहाँ बोला है बोलो समझ गया है बोलो एक संडे के दो हजार बाईस में आया था लास्ट ईयर 오케이. Okay. देखो पेज नंबर है वन फोर्टी क्वेश्चन सिक्स पीला क्वेश्चन ओके ओके बोलिए इधर बोलो हाँ देख रहे हैं देखो ए कैपिटल अकाउंट एबीसी का दिया हुआ है और रिक्शो क्या दिया हुआ है इक्वली दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया वन ट्वेंटी है और वो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया आपका डिफरेंस ट्रांसफर कर दिया हम लोग और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में क्या कर रहे हैं हम लोग मेथड चेंज, चेंज कर रहे हैं मेथड क्या कर रहे हैं हम लोग और चेंज कब से कर रहे हैं पूरा ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू से चेंज कब से कर रहे हैं हम लोग बिगिनिंग से कर रहे हैं हम लोग ठीक है और इंटरेस्ट कैपिटल कंसिडर नहीं हुआ था इंटरेस्ट कैपिटल कंसिडर 2122 में वो नहीं हुआ था और एक लैपटॉप परचेज किए थे हम लोग एक का रिपेयर चार्ज था पर्सनल लैपटॉप का और उसको हम बिजनेस में लिख दिए उसको हम लोग कहाँ लिख दिए हैं एक्सप्रेस लिख दिए हैं उसको हम लोग ठीक है तो सिंगल एंट्री पास करना है, क्या करना है आपको सिंगल एंट्री पास करना है आपको तो देखो पहले प्रॉफिट भी तो चेंज हो जाएगा आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा बताइए आपका चेंज हो जाएगा तो कितना सा प्रॉफिट बताइए वन ट्वेंटी था पहले पहले कितना प्रॉफिट था बताओ तो डिस्ट्रीब्यूट कितना कहते बदी बताइए पहले जो आपका नेट प्रॉफिट था नेट डिविजिबल प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना कितना होगा बताओ वन ट्वेंटी इंटू कितना हो गया बताइए वन इज टू वन इज टू पहले कितना कहते पहले यहां लिखा तो ऊपर में इक्वली था पहले क्या कहते हम लोग नहीं कहते हम लोग तीनों मिलाकर लाके कितना टोटल प्रॉफिट कितना टोटल प्रॉफिट वन ट्वेंटी था टोटल प्रॉफिट और उसका कितना बताओ मतलब कितना कितना कहता बताओ सब में ए में कितना कहता बताओ इतना आप इश्यू कर चुके हैं ए में फोर्टी बी में भी कितना कह फोर्टी अस्सी में भी कितना किए हैं आप ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ये क्या क्या ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इतना समझ गए बोलो ठीक है ओके okay, बोलो और गैस क्या सेकंड जाओ सेकंड क्या बोल रहा है बताओ करेक्ट प्रॉब्लम निकालो तो देखो पहले इतना नेटवर्क बताइए बोलो कितना था पहले वन ट्वेंटी था और एक आपका रिपेयर हुआ था एक पर्सनल लैपटॉप नाइनटी ट्वेंटी चार्ज टू रिपेयर अकाउंट तो पर्सनल एक्सपेंसिव चीज था ना ये ऐड हो जाएगा क्या वजह बताइए आपका चार्ज टू रेवेन्यू रिपेयर नाइन्टी थाउजेंड टू हंड्रेड समझ गए कितना में देखा प्रॉफिट एड करो कितना बताओ? 120 90, है बताओ वर्किंग रोड है वन ट्वेंटी प्लस नाइन्टी थाउजेंड टू हंड्रेड समझ गया गए कितना आएगा ठीक है वन हो गया टू हो गया बोलो Okay, बोलो okay, तो बताओ हलो पॉइंट नंबर टू हो गया पॉइंट सी में ही अब इसका एंट्री करना है आपको इसका एंट्री अभी तक तो पीएल प्रो मान लो क्या बना लो पहले वर्किंग नोट में ही पीएल प्रो तो बायवर्ट बता यहां पे वन थर्टी नाइन टू हंड्रेड ठीक है आफ्टर रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन के बाद समझ गए ठीक है और कैश के बाद आगे जाओ टू में क्या क्या बताइए अब टू पास कैपिटल किस टॉक्सो देखें प्रॉफिट कैपिटल कितना कह बताइए कितना रेशियो बताइए अरे नहीं इंडियन कैपिटल कितना है सिक्स परसेंट कितना परसेंट पर बताइए तो ए में कितना आएगा बताओ ओपनिंग कैपिटल पे आएगा ए में कितना ओपनिंग कैपिटल बताओ वन फोर ट्वेंटी वन को साठ ज़्यादा ना उसका सिक्स परसेंट यहाँ पर आपको अपनी कैपल दिया हुआ है निकालना नहीं पड़ा आपको यहाँ लास्ट क्लास में जब हम लोग सम किए थे उसमें आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ा था अब बी में कितना आएगा बताओ फोर्टी सेवन का सिक्स परसेंट कितना आएगा बताइए टू थाउजेंड अस्सी में कितना आएगा बताओ ट्वेंटी थाउजेंड का सिक्स परसेंट कितना आएगा बताओ इसका एंटी पहले नहीं हुआ था समझ गए और तो बताओ और गया इसके बाद प्रॉफिट के बाद टू ये तो मिला कितना तो तो बताओ वन थर्टी टू हंड्रेड सारा टोटल माइनस कितना कर सेवन थाउजेंड वन थर्टी टू और रेशियो कितना सब बताओ वन इज टू वन इज टू कितना कितना है बताओ डिवाइडेड थ्री कर दो फोर्टी फोर फोर्टी फोर फोर्टी फोर समझ गए माइनस करके वन थाउजेंड टू हंड्रेड था माइनस कितना सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड और कुछ है इसके अलावा क्या इसमें और कोई ट्रांसफर हो रहा है पी एल अपनी बढ़े हो नेट प्रॉफिट है इसमें वन थाउजेंड टू हंड्रेड नेट कितना है वन थर्टी नाइन और इंटरेस्ट कितना है सेवन थाउजेंड डिफरेंस कितना हो गया माइनस करने के बाद कितना तो बचा कितना दिया है रेशियो चेंज हुआ है क्या कुछ नया रेश्यो कितना है थ्री टू 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 वन है नया रेश्यो कितना बताओ थ्री टू 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 वन में करो कितना कितना है बताओ सिक्स से डिवाइड करो दोस्तों वन थर्टी टू डिवाइड सिक्स, इंटू कितना थ्री तो यहाँ कितना सिक्सटी सिक्स, यहाँ कितना है बताओ और यहाँ कितना है फोर्टी फोर ट्वेंटी टू समझ गया ओके बोलो ओके अद पी एल है तो अब करंट अकाउंट बनाइए क्या बनी है पार्टनर्स कैपिटल पता नहीं है क्या बनाइए करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट में तो करंट तो क्या चलेगा कितना कितना ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट किसको कितना मिला है किसको कितना करेंट अकाउंट बनाओगे ना तो इसमें कैपिटल नहीं आएगा इसमें कैपिटल नहीं आएगा ये कौन सा बताइए फ्टर एक्टिफिकेशन कौन सा ये तो क्या क्या मेरा पार्टनर को बताइए एक तो मिला बायत तो बताओ थ्री थाउजेंड अब बी में कितना बताओ ट्वेंटी फोर हंड्रेड सी में कितना है था बताओ ट्वेल्व हंड्रेड बताइए वन थर्टी टू था ना टोटल तो कितना है सिक्सटी सिक्स और कितना था यहाँ पे फोर्टी फोर और यहाँ कितना है ट्वेंटी टू टू सी डी कितना बताइए बोलो सिक्स थाउजेंड प्लस कितना थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ए में कितना सिक्स टेन थाउजेंड अब बी में कितना बताओ टू थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस कितना हो गया फोर्टी फोर थाउजेंड फोर्टी सिक्स फोर हंड्रेड सी में कितना बताइए ट्वेंटी थाउजेंड

बोलो हो गया था बोलो, गया था? बोलो. ओके तो बताओ हेलो ओके तो बोलो हेलो हो गया सर आगे देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या था पार्स करने का नो ये आफ्टर टू नहीं क्या बताइए आपका और एक बनी बिफोर है क्या अपने है पहले कितना कितना मिला था बताओ कौन सा बताइए बिफोर एक्टिवेशन बिफोर एडजस्टमेंट तो इसमें कौन कौन सा बाटा था बताइए एबीसी था ना पहले कितना था नेट प्रॉफिट बोलो कितना पॉइंट था पहले वन ट्वेंटी था हाँ वन इज टू तो कितना कितना फोर्टी आया था पहले और कितना आया था फोर्टी और कितना आया था फोर्टी ठीक है फोर्टी 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 इतना मिला था आपको और एक आपका वो आएगा रिपेयर वाला जो नहीं था बाय पीरसमेंट पीएल एडजस्टमेंट ये कौन सा वाला बताइए जो रिपेयर नहीं था रिपेयर पर्सनल जो रिपेयर था चार्ज टू तो एक्सपेंसेस पर्सनल जो नहीं था उसको एक्टिफाई नहीं करोगे तो कैन और हो रेक्टिफाई का पी एल अलेसमेंट टू पार्स कैपिटल क्या वजह उसके एसमेंट दिए हाँ उसको हम लोग पहले एक्सपेंस कर तो तो पहले किसमें लिख दिए थे तो प्रॉफिट कम हो गया था प्रॉफिट क्या हो गया था पति आपका कम हो गया था तो उसको कैंसिल कर उसको क्या करते हैं हम लोग अभी कैंसिल करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा पति आपका बढ़ जाएगा ठीक है तो कितना का बताओ ओल्ड रेशियो में होगा इसमें डिवाइड बाय थ्री करो नाइनटी टू हंड्रेड डिवाइड थ्री करो छ चार सौ छह हजार चार सौ तो पहले कितना कितना मिला था बताओ फोर्टी सिक्स फोर हंड्रेड फोर्टी सिक्स फोर हंड्रेड फोर्टी सिक्स समझ गए अब आप देखो पहले कितना था और आप अभी कितना है बिफोर एक्टिफिकेशन बिफोर एक्टमेंट अभी कितना है वो देखो ठीक है डिफरेंस निकालना पड़ेगा उसके बाद इंटर पास करना है बस ओके okay, बताइए अब देखो पहले की कितना बताइए पार्टनर नाम क्या है यहाँ पे एबीसी बोलो तो प्रॉफिट कितना बताइए सिर्फ प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट बताइए एक आपका क्लोजिंग वैलेस कितना बताइए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एक आपका बिफोर रेसमेंट कितना बताइए सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड नहीं कितना था यहाँ पे फोर्टी सिक्स फोर हंड्रेड फोर्टी सिक्स फोर हंड्रेड फोर्टी सिक्स और एक आपका क्या बताइए आप तक कितना बताइए बोलो रुकिए तो लिखना दीजिए सिक्स सिक्स हंड्रेड ए में कितना है सिक्सटी नाइन और बी में कितना बताओ फोर्टी सिक्स सेम आएगा डिफरेंस और सी में कितना है बताओ 46, ट्वेंटी थ्री तो ए में क्या रहा बताइए आपका ए में बढ़ रहा है ए में क्या रहा आपका ट्वेंटी थ्री टू हंड्रेड और इसमें क्या हो रहा है बताइए आपका तो एंट्री क्या हो जाएगा सिंगल एंट्री पास करने बोला क्या एंट्री पास करने बोला आपको तो सी कॉन्ट डेबिट टू ए ट्वेंटी थ्री टू हंड्रेड ठीक है बस बोलो कंप्लीट आता था हाँ क्या पहले कितना था अभी कितना है हाँ माइनस करो ये या माइनस मत डिफरेंस निकालो जैसे भी करना बस ये देखो किसका इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है माइनस प्लस में कंफ्यूजन अगर है ना तो देखो कि एक्स में क्या हो रहा है बताओ इंक्रीज हो रहा है एक्स में क्या हो रहा है और वाई में क्या हो रहा है जेड में क्या हो रहा है सी में इंक्रीज हो रहा ए में क्या हो रहा है बताओ आपका इंक्रीज हो रहा है सी में क्या हो रहा है डिक्रीज तो डिक्रीज वाला डेबिट होगा डिक्रीज वाला क्या होगा आपका डेबिट इंक्रीज क्या होगा प्लस आप प्लस माइनस नहीं करो कोई दिक्कत कर नहीं लेकिन डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा आपको ना किसमें इंक्रीज हो किस रहा है वो देखो बस ठीक है यहाँ तक चले आगे अभी हम लोग करेंगे मैथ्स कंप्लीट ऐसा क्लास अकाउंट्स का कल करेंगे न्यू चैप्टर